हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, क्या आपको भी बहुत दिन हो चुके हैं, आपने भी अपने एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, पर फ्रेंड्स उसके रिगार्डिंग, डिलीवरी के रिगार्डिंग आपको ना तो कोई मैसेज रिसीव हुआ ना फिर आपको अभी रिगार्डिंग उसके कोई कॉल आई। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपका एटीएम कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड अभी कहाँ पर, करंट स्टेटस उसका क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आज की बताई हुई इसी स्टेप्स को मेरा फॉलो कर लेते हैं तो आप भी आसानी से अपने एटीएम कार्ड को ट्रैक कर पाएंगे, उसका करंट स्टेटस जान पाएंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। सो दोस्तों, अपने एटीएम कार्ड की डिलीवरी का स्टेटस करंटली चेक करने के लिए कि अभी वो कहां पर है, उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक ट्रैकिंग नंबर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपको अपने मैसेज ऐप में आ जाना है। जैसे फ्रेंड्स आप अपना मैसेज ऐप ओपन करेंगे, यहां पे फ्रेंड्स आपको एक बैंक के साइड से मैसेज मिल जाएगा। जैसा फ्रेंड्स आप मेरे फोन के स्क्रीन में देख सकते हैं, आपका जो भी बैंक हो फ्रेंड्स उसके साइड से आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जब भी आपका फ्रेंड्स एटीएम कार्ड डिस्पैच हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मैसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हमें ट्रैकिंग नंबर एक दे के रखते हैं। जैसा फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेरे फोन की स्क्रीन में देख सकते हैं, मुझे ये ट्रैकिंग नंबर मिला हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह मैसेज रिसीव नहीं हुआ तो दोस्तों आप अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके वहाँ से आप ट्रैकिंग नंबर मांग सकते हैं। वो फ्रेंड्स आपसे कुछ डिटेल्स लेगा, मोबाइल नंबर वगैरह वो बताकर फ्रेंड्स आप ये ट्रैकिंग नंबर अपने बैंक अकाउंट का ले सकते हैं। सो दोस्तों, अब आपको यह यहाँ से सिंपली फ्रेंड्स कॉपी कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, उसके बाद सिंपली आपको बैक आ जाना है। सो दोस्तों, अब हमारा मेन स्टेप आ चुका है। यहाँ से फ्रेंड्स वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने एटीएम कार्ड का करंट स्टेटस। तो दोस्तों, अब आपको सिंपली अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैं सर्च करूँगा आपको वही सर्च कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यह स्पीड पोस्ट सर्च कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सर्च किया, आपके सामने बहुत सारे लिंक्स खुलकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे ऊपर में ही देख सकते हैं इंडियन पोस्ट का फ्रेंड्स यहाँ पे ये आ चुका है। सिंपली आपको फ्रेंड्स इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी सेकंड्स वेट कर लेना है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सामने न्यू पेज खुलकर आ जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारे सामने वेबसाइट खुलकर आ चुके हैं। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। फ्रेंड्स वहाँ से आप क्लिक करके इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दोस्तों, लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको इससे कुछ नहीं करना। यहाँ पे फ्रेंड्स आप साइड में देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रैक कंसाइनमेंट का। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ चुका है फ्रेंड्स, आपको इसमें सिंपली वो वाला आपको कोड फिल कर देना है, ट्रैकिंग नंबर जो भी फ्रेंड्स हमने कॉपी किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे कुछ कोड पूछेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये कोड इस बॉक्स के सामने एंटर कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जल्दी से एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा ट्रैक नाउ का। तो दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ट्रैक नाउ पर क्लिक किया, यहाँ पे फ्रेंड्स उसकी पूरी डिटेल निकल कर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगी किस आपको डेट को आपने बुक किया है अपना वो एटीएम कार्ड। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आप डिलीवरी लोकेशन भी देख सकते हैं और फ्रेंड्स वो किस स्पीड पोस्ट से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा स्टेटस मिल जाएगा कि वो कब कहाँ पर पहुँचा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पूरी डिटेल अपने एटीएम कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड की चेक कर पाएंगे आसानी से। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाए कि वो कब कहाँ पे रिसीव हुआ है या फिर कब आपको डिलीवर होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी सिंपली स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है कि कैसे आप अपने एटीएम कार्ड या फिर अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड, सभी कार्ड्स को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, उनकी करंट डिलीवरी स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।